सहजान स्वामी महाराज श्रीमद सद गुण शालीनम चिद चिदि व्याप्तम च दिव्याकृति जीवे साक्षर मुक्त कोटि सुखदम नैकावतार ज्ञेयं श्री पुरुषोत्तमं मुनिवरैर् वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा जैनी अमृतवाणितो बहिरहि साक्षात् महिमा रूपे जैनी ब्राह्मस्थिति अहो लीनकरे शुंभव्याक्षर पद शरणागत निज अल्प जीव सहुनाश्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयूं तो वंदन करे जैनी वाणी विषय अखंड वहती सूरावली ब्रह्मनी किंतु थई अज्ञात अल्प समीपे रसबसहु मारही जीवे जे अलमस्त स्वामी श्रीजीमा छे मोक्षदाता वरी पपा जोगी स्वरूप विभु चरणे जुकी रहूं भाउद दीक्षार्पिय हो गुणातीत समी जैने गरु योगी काका ने वड़ी आप दीय द्वैणु अद्वैतनु भेदे साक्षी अनंतना स्वरूप शास्त्री महाराजनु एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे वंदन सदा हूँ करूँ बोलो सहजानंद स्वामी महाराज स्वामी नारायण भगवान नी जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय गुणातीतानंद स्वामी गोपाणानंद स्वामी महाराज नी जय भगत जी महाराज नी जय जागा स्वामी महाराज नी जय कृष्ण जी अदा महाराज नी जय शास्त्री जी महाराज नी जय योगी जी महाराज नी जय काका जी महाराज नी जय पप्पा जी महाराज नी जय हरि प्रसाद स्वामी महाराज नी जय अक्षर यही स्वामी महाराज नी जय महंत स्वामी महाराज नी जय प्रमुख स्वामी महाराज नी जय जसभाई साहेब नी जय गुरु जी महाराज नी जय दिनकर स्वामी नी जय प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नी जय 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 बाबेन नी जय समग्र गुणातीत समाज नी जय 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 आज के आनंद की जय जय जे गमे जगत गुरु देव जगदीश ने ते तणो खर खरो फोक करबो आपनो चिंतव्यो आपनो चिंतव्यो अर्थ कई नवसरे उदरे एक उद्वेग दर्भो जे गमे जगत हूँ करूँ ए जगनानता हूँ करूँ ए जगनानता सकट नो भार जेम स्वानदाने सृष्टिमंडाण छे सर्वनी पेरे जोगे जोगे स्वरा कोई क जाने जे गमे जगत गुरु सुख संसारी मिथ्या करी जान जो सुख संसारी मिथ्या करी जान जो हरि विनाश सर्वे सर्व काचू जुगल जोड़ी
जुगल जोड़ी करी नर संयोम कहे जुगल कर जोड़ी नर संयोम कहे जन्म प्रति जन्म हरि नेज जाचूं जे गमे जगत गुरु जे गमे जगत गुरु दैव जगदीश ने ते तनो खर खरो पोक करबो जे गमे जगत गुरु। बोलो सहजानंद स्वामी આજે શનિવાર ચૈત્ર સુદ ચોથ દિનાંક 28મી માર્ચ 2020 દાડા પછી દાડા છઠ્ઠો દાડો થઈ ગયો પારાયણને દાડા પર દાડા અઠવાડિયા પર અઠવાડિયા વરસ પર વરસ જિંદગી પર જિંદગી વધી જાય છે પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજ્યામાં નથી આવતું અને એ ભગવાનના સ્વરૂપનું પારાયણ સમજણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એના ભક્તોને પરચા આપીને આપણને સમજાવે છે કે છે આજે જબરદસ્ત આખ્યાન છે 138મા પ્રકરણનું મહારાજના પ્રસાદી ગામ જેતલપુરનું અને એની વાત કરી એના પહેલાં જે પ્રાર્થના ગાઈએ છીએ દરે તો આ વખતે આજે પાનું ખોલ્યું અને 90મું પ્રકરણ નીકળ્યું ધન્ય હો નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને કે મહારાજને ફર્સ્ટ ટાઈમ અયોધ્યાવાસી ક્યાં મળ્યા એ ડિસ્કસ કર્યું છે રોમાંચ ખડા થઈ જાય છે વાત કરતા સોરી હિન્દી મેં બોલતા હું બાત કરતે કરતે હુએ રોમાવલી ખડે હો જાતી હૈ કે ક્યા વો સમા હોગા ક્યા વો બાત હોગી કૈસે મિલે હોંગે બાત તો યું બની કે કિસીને મહારાજ કો બોલ દિયા પાવર આતા હૈ ના સબકો જલન બહોત હોતા હૈ ઈર્ષ્યા બહોત હોતી હૈ યે કૈસે આગે બઢ ગયા યે કૈસે આગે બઢ ગયા તો ટાંગ ખીંચને વાલે કમ નહીં હોતે और उसमें महाराज को भी छोड़ा नहीं है महाराज को जादूगरा बोला किमियागर बोला और किसी ने वहाँ तक बोल दिया कि इसका दूध क्या है इसका जन्म तो स्वपच के भंगी के वहाँ हुआ होगा जब ये बात बोला तभी मुक्तानंद स्वामी से रहाने गया मुक्तानंद स्वामी अपन देखते हैं पढ़ते हैं कि कितने क्लोज थे महाराज के राइट टाइम पे झूठ को नहीं सहन करना ना वो भी बहुत बड़ी बात है भीष्म नहीं बोल सके लेकिन मुक्तानंद स्वामी को लगा बोले नहीं सीधा सुखानंद को बोला जा अवध छपैया जा ठाम दिया एड्रेस दिया रेफरेंस दिया बुलवा के लेके आओ उसको इधर सबको बहुत बड़ा इतिहास है वो तो अभी नहीं लेंगे आखान वहाँ भी महाराज प्रकट होते हैं सुखानंद स्वामी रोता है कि हाईला महाराज मैं तेरा स्थान कैसे ढूंढूँ आप कैसे प्रकट हुए तो जहाँ खड़ा था ना बोलता देख पीछे पीछे मेरा पगला है जहाँ पगला खत्म होता है ना वहाँ मेरा जन्म स्थान है छपैया बिकॉज अभी छपैया अंधेरा है तो वो टाइम पर तो कैसा होगा अयोध्या प्रसाद के सब हरिप्रसाद के जो महाराज के पप्पा धर्मदेव के सबको ढूंढा लाया और तभी स्वामीनाथ भगवान वरताल में थे अद्भुत वर्णन निष्कुणानंद स्वामी ने किया है वो कैसे मिले किस हालात में मिले जब ही मिले तो आंख में आंसू कैसे आया वो बात गद्य पद्य में बहुत अच्छी तरह से लिखी है थोड़ा पढ़ते हैं जब जब गुजराती वर्ड को ऐसा आ जाएगा तो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करना
बट बाद में डूबना। यहाँ महाराज ने निष्कुणान समय ने आशीर्वाद दिए कि जो धर्मकुल का मेंबर का नाम लेगा ना उसको भी अक्षतम जाओ। दिखा है क्या महाराज होगा, ये क्या महाराज होगा जो उसका पर्चा है ना वो ऐसे नहीं है, उसकी शक्ति जबरदस्त काम कर दी है। ओनली थिंग वी हैव टू अलाइन अवर सेल्फ टू दैट सुप्रामेंटल पावर। तो गाते हैं पश्चिम खंड मा पांचाल देश जिया हरि विचरे हमेश, पांचाल देश और वहां से भरता लाते हैं 90 प्रकरण 37 कड़व। पश्चिम खंड मा पांचाल देश जिया हरि विचरे हमेश, काजू गाम वर्ताल जानी पोते हत्या त्या सारंग पानी, तिया आईवा अयोध्या ना वासी सामाजाई मळ्या अविनाशी। वो टाइम पे कोई भी मेहमान आता था, गेस्ट आता था तो सामने जाते थे। 90th प्रकरण मास्टर जी, 90th प्रकरण 37 कड़ू। कोई आते हैं तो सामने जाते हैं। काका जी शर्मा जी आते थे तो खड़े हो जाते थे, उठते थे और सोफा में जो काका जी बैठे उनका आसन है उनको दे देते, खुद सामने बैठ जाते थे। विवेक, महिमा, रिसेप्शन, हाउ टू रिसीव समबडी, ये पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। खड़ा हो जाता है सामने जाए, सामने आओ आओ आओ। आयवा अयोध्या ना वासी सामाजई मळ्या अविनाशी। कौन सा डेट था? कार्तिक मास सुदी चतुरथी तेदी आयवा अयोध्या पुरथी। आयवा अयोध्या वासी ए दन कैरा महाराज ना एक जन मिला हो दर्शन करो, कैरा महाराज ना दर्शन मड़ी लड़ी लागी सहु पाय चाला नीरते नैना माया। मिलन ऐसा होना चाहिए यार, मिलन मरते मरते रोना, मरते मरते हंसना, प्रेम से हंसो। काका जी बोला लिव टोटली, लाफ टोटली, क्राई टोटली। मिलन आंख में से पानी जाता, अरे आईवा ओहो आईवा आईवा। करी रुदन चरण न मुके आँख माथी आंसू न सूके, हेते ही बसे वियोग दुखे भांग्या अक्षर बोले छे मुखे। भांग्या अक्षर बोले, हिंदी भाषी आवड़े नहीं गुजराती, हम गए थे आ गया आया छे आम छे तेम छे बधु डिस्क्रिप्शन करे छे। अयोध्यावासी अयोध्यावासी आविया हरि प्रसाद नो परिवार। धर्मकोण कोनो परिवार? हरि प्रसाद नो परिवार, धर्म देवता नाम तो हरि प्रसाद। अयोध्यावासी आविया हरि प्रसाद नो परिवार, संबंधी महाराज ना सत्संग नो शणगार। आज तमे गम्मे ते कहो पण बे गादी महाराजे स्थापी, ए बे गादी कहेवाय, वर्ताल અમદાવાદ અને એના આચાર્ય સરાખુપે, સત્સંગનો શણગાર। થયા રાજી અયોધ્યા વાસી નૈણે નિરખ્યા સામ સુખ રાશી। બહુ દાડે મેરા તો જોયા જ કરે મારો ઘનશ્યામ કેવો હશે, મારો ઘનશ્યામ કેવો। નૈણે નિરખ્યા શ્યામ સુખ રાશી પછી સંગે તેડે સેને શ્યામ, આવ્યા પ્રભુજી ગઢડે ગામ। હલો ઘરડે જો બધાને લઈને ઘરડે આવ્યા, તેને આપ્યા ઉતરવા ઘર, ઘણું ઘટિત સારા સુંદર પછી કરી છે રૂડી રસોઈ, જયા માવ ભાવ તેનો જોઈ। માવ એટલે માવો સહજાનંદ સ્વામી, એનો ભાવ જોઈ। ઇસકા ભી એક પ્રસંગ હૈ, અભી લેંગે તો બહુત લંબા હો જાયેગા। સુહાસિની ભાભી
बंटा गोली लाई थी, डरती थी देने के लिए, हाय हाय मेरा मारो दियर तो भगवान छे इन्हें केम आपू। तो महाराज ने खाना बंद कर दिया, मंगवाया खाना, खाया, सबको प्रसाद देते गए। बंटा गोड़ी खुटी नहीं, आज तक बंटा गोड़ी चलती है स्वामीनारायण हर एक मंदिर में, आज तक बंटा गोड़ी चलती है। पछी जयमा छे अयोध्यावासी वड़ती वाल में वात प्रकाशी। कितना महाराज का स्टाइल है, ए खाना खा लीधा, चलो अब बेसो शांति थी, सांझ पड़ी छे, अभी जगह जवान नदी, चलो बता बेसी जाओ शांति थी बात करिए। पछी जयमा छे अयोध्यावासी वड़ती वाल में वात प्रकाशी, पूछा देश नगर ने गाम, पूछा सर्वे ठेकाणा ने ठाम। केम छे आ, केम छे, केम छे, पूछा वनवाड़ी वृक्ष वट, पूछा नदी तळाव ने तट, सरोवर केम छे, तट केम छे, पूछा खापा तळावळी केम छे, पूछा शहर बजार ने घर, पूछा त्यागी गृही नारी नर, पूछा हरि मंदिर धर्मशाला, पूछा तीरथ घाट सघळा, केना आपी आपी ने आपी आपी ने इंधण, इंधण आपी, ए आम निशानी, इंधण रे निशानी, ये ऐसा है ना, उधर एक बाजू में ये है, उधर ये है, उसके बाजू में ये खड़ा था, उसको ये था इंधण, तेमा आपी आपी ने इंधण कर्या सर्वे स्थळ नाव खाण। बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं, मामा मामी चंदन मासी इसको सबको याद करते हैं। और फिर महाराज को जो अयोध्यावासी है वो अपने जो, बिकॉज महाराज गए तब तक तो सब कुएं ही हुआ नहीं था, फिर किसको किसका हो क्या हुआ, अयोध्यावासी का पूरा परिवार का रेफरेंस देते हैं, पूरा परिवार का इंट्रोडक्शन देते हैं। तेना सूत एक शुभ मती, दोषे रहित दयालु अति, नाम हरि प्रसाद ते कहिए, ते तो धर्मनो अवतार कहिए। मैं सीधा धर्मदेव से लेता हूँ, धर्मदेव से कौन सा उनके लाइनेज का डिस्क्रिप्शन अद्भुत पद्य रूप में निष्कुणानंद स्वामी ने किया है। मोटा यश वाला सहु जाने, सारा स्वभाव सहु वखाणे, एवा हरि प्रसाद नो कहूं, जेना पुण्य नो पार न लहूं, लूणा पार ना त्रवाड़ी कहिए, बाल कृष्ण ना कालू ते लइए, तेने घेर छे भवानी नार, ते तो अति पवित्र उदार। ऐसे करते करते सबका पूछते हैं, सबका देते हैं, बाद में अपन सीधा जो इच्छाराम राम प्रताप भाई का जो परिवार है वो राम प्रति भाई का परिवार का अपन लेता है। तेना सूत सुख रूप त्रण, तमे सहित भव दुख रण, मोटा रहते राम प्रताप, बीजा हरि तमे छो आप। पहला भाई मोटा भाई राम प्रताप, बीजा तमे पोते, त्रीजा इच्छा राम कहवाय, तेनी मोटापन कही जाय। तीजा इच्छा राम, बेउ भाई अति से उदार, तेनो यश उत्तम अपार, सर्वे रीते सुखी आचे जे हो, एकतम विना दुखी ते हो, नीलकंठ आईवा तमे आही, बीजी केड़िया रया ने बे भाई, हूँ कहूँ तेनो परिवार, तमने मलवा इच्छा ते अपार। अभी जो हम आए उसकी बात करते हैं। राम प्रताप घेर सुवासी, राम प्रताप को वाइफ का नाम सुवासिनी भाभी, ते तो तमवी ना हता उदासी, तेने त्रण सूत एक सूता, त्रण सूत उनको तीन लड़का और एक लड़की सब मालूम है, सूत सूता, तेना नाम परम पुनीता, नंद राम ने ठाकुर राम, तीजा अयोध्या प्रसाद नाम, सूता धनु बानीर धार, माटे जोखन नो परिवार। अभी विजय नंदराम नो, नंद घेर छे लक्ष्मी नार, राम शरण सुत निर्धार, नारायण प्रसाद हरिचंद्र,
ચોથા સુત પણ છે સુંદર થડબદર ઠાકોર રામને ઘેરે છે શિવ કુંવરી રામ સુત રામ સુખ સુત દોદી કરી અયોધ્યા ઘેર સુનંદા નાર કયો જોખન નો પરિવાર ઈચ્છારામ કે ઘેર વસુમતી ઈચ્છારામ કા ભાઈ કા નામ વસુમતી તા વરિયાળીબાઈ ઈચ્છારામ ઘેર વસુમતી જેને પ્રભુ માહી પ્રીત હતી તેના પુત્ર પંચ પુણ્યવાન સુતા બેઉ તે કહું નિદાન એને પાંચ પુત્ર ને બે છોકરીઓ કેટલો બધો ડિટેલમાં રેફરન્સ આપે છે પાંચ પુત્ર કોણ ગોપાળજી રઘુવીર બીજા રઘુવીર વૃંદાવન વળી સીતારામ પાંચો મોસુત નાથ બદરી સુતા ફૂલશ્રી ને ફૂલઝરી ઈચ્છારામનો એ પરિવાર ગોપાળજી ઘેર મેના નાર ગોપાળજી કા વાઇફ કા નામ મેનાતા રઘુવીર ને ઘેર વીરજા બાકી કહું હવે ત્રણ બીજા વૃંદાવન ઘેર ઇન્દ્રવાસી સીતારામ ઘેર ઇન્દ્રાસી એ હરિ પ્રસાદ પરિવાર ધર્મકુળ અતુલ ઉદાર કેતા સુણતા તેહના નામ થાય પવિત્ર પામીએ ધામ ખાલી ઉનકે નામ લેને સે ભી ધામ પવિત્ર હોતા હૈ પવિત્ર ધામ મે હમારી એન્ટ્રી હો જાતી હૈ એસે નામ इसकी एक छोटी बात कह देता हूँ कि जब भी राम प्रताप भाई महाराज छोटे थे ना सुहासिनी भाभी बड़ी थी राम प्रताप भाई और महाराज के बीच में डिस्टेंस बहुत था बर्थ में तो सुहासिनी भाभी वॉज लाइक अ मदर सुहासिनी भाभी उसका बाल भी कर देती थी तेल भी डाल देती सब कर देती थी तो भाभी उससे बहुत मस्ती करती थी मस्करी करती थी तो મસ્તી મસ્તી મેં બોલ દિયા ભાભીને તું તું મેરે લીએ ક્યા કરેગા મેં તેરે લડકે કો રાજા બનાઉંગા એસે હી બોલ દિયા છોટે ઘનશ્યામને હા ઓર વોહી અયોધ્યા પ્રસાદ કો કહે દે દિયા બહુત લંબી બાત હે દૂસરા ઈચ્છારામ કા બેટા રઘુવીર ઈચ્છારામ વોઝ ધ અવતાર ઓફ પ્રદ્યુમન અનિરુદ્ધ પ્રદ્યુમન શંકરસણ જે કહે ને એ ઈચ્છારામજી પ્રદ્યુમનનો અવતાર હતા વિષ્ણુ રૂપે જ્યારે ભગવાન હતા ત્યારે વિષ્ણુને કીધેલું પ્રદ્યુમનને કે તને હું બનાવીશ રઘુવીરને બનાવીને પૂરું કર્યું એટલે આ જે આપણે બધી વાતો કરીએ છીએ મહારાજ સંસ્થા એ બધું લોલેલો નથી બધું બહુ જબરદસ્ત કામ છે એક જબરદસ્ત સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો પૃથ્વી પર પ્રયોજન છે હેતુ છે અને એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે પ્રથમના 27માં કે આ વાત કરવા હું આવ્યો છું ભગવાન ભજવા જેવી બીજી કોઈ વાત નથી એટલે એ આજે જેતલપુરનું આખ્યાન અને એ જેતલપુર ગામ મહારાજને બહુ પ્રિય છે પ્રસાદીનું છે ચૈત્ર સુધી ચોથેથી ચાલુ કર્યું જેતલપુર 4, 5, 6 જે સ્વામીજી કહે છે ચોથમ પાંચમ છઠ સાતમ પાંચમ છઠ સાતમ ચૈત્ર સુદ ચોથ આજ ભી હે તો આજ છે જેતલપુર 4, 5, 6, 7 વત્નામૃત જો હૈ ઓ પ્રારંભ હુઆ થા ઓર જેતલપુર મેં મહારાજ ઇતના ગંગા બાતી વહાં કી જો મહારાજ કો ખાના ખિલાતી થી ઉતના ઘર બર સબ દે દિયા જેતલપુરનો માહોલ કહેવાય ઓર ઓ મંદિર ભી આનંદાનંદ સ્વામીને બાંધા થા યોગીજી મહારાજ વહાં પધરામણી મેં ગયે થે તો આનંદાનંદ સ્વામી એક ચીપિયા રખતે થે वो प्रसाद का चिप्पिया आप भी वो मंदिर में है और योगी बापा चिप्पिया दिखा दिखाते एकदम मरम में योगी महाराज की स्टाइल ऐसी थी हंसे मुख रुमाल आड़ो राखी हंसता हंसता गुरु जी ने बतावे गुरु जो तो हमें आ मुकेलो एम तो वो प्रसादी का जेतलपुर का मंदिर जेतलपुर महाराज को अति प्रिय और जेतलपुर का बात करते करते भी महाराज बहुत इसीलिए वो वचनामृत जो જો આશીર્વાદ દિયા ને વચનામૃત મેં જેતલપુર કા વચનામૃત મેં કે 7 દકાલીનો દુકાળ પડે ગમે એવું મહાકષ્ટ આવવું પડે જ્યાં હું લીલા ખળમાંથી પ્રગટ થઈને તમારી રક્ષા કરીશ 7 દકાલી મીન્સ એક અકાલ પડતા તો અકાલ બોલતે 7 બાર એસા કન્ટિન્યુઅસ અકાલ પડેગા બહુત બડા દુઃખ આયેગા તો ભી મેં છોટે મેં છોટી ચીજ મેં સે પ્રગટ હોકે આપકી રક્ષા કરૂંગા આપકો ઉગાર લુંગા
ये आशीर्वाद जैतलपुर में दिए हैं, क्योंकि जैतलपुर में ऐसे भक्त रहते थे। कोई कोई जगह ऐसी होती है, जगह जाके बस खुश हो जाते हैं भगवान, या तो भगवान स्वरूप के संत, उसको मजा आ जाती है। जैतलपुर में ऐसी प्रसादी की भूमि थी, भक्तों ऐसे प्रसादी वाले थे, आनंद आई थे। तो धन्य धन्य जैतलपुर गाम वाले कैरू तेने निज धाम। अरे जैतलपुर में आके ये अद्भुत वरदान दिया। मध्य ते छेल्ला बे का जो छेल्ला दो का वचनामृत है, और महाराज ये बात को कितने के ये आशीर्वाद है, वरदान है कि जाओ मैं रक्षा करूँगा। महाराज को हम महाराज मान के, सर्वोपरि भगवान मान के, जो जो भक्त का यहाँ पर्चा है वो उसने ऐसा माना तो आके उसकी रक्षा किया, प्रकट किया, पर्चा दिया, उसका धाम में लेके गए। तो ये मानने की बात है, ये निष्ठा की बात है। ऐसी निष्ठा हम कर ले तो क्या क्या अक्षराधिपति पुरुषोत्तम नारायण ने क्या इंडिया अने क्या गुजरात ने क्या घरेलू शहर उसमें ये प्रकट होके महाराज ने लीला करी। गंगाबा ने पूरा दरबार दे दिया, वहाँ एक तालाब है, मंदिर है, और जैतलपुर में ऐसा आशीर्वाद भी दिया है कि पापी मरे, पापी यहाँ मर जाएगा तो भी जैतलपुर में मरेगा तो उसको जमपुरी नहीं, जाओ भगवान के धाम में या तो अक्षरधाम में लेके जाऊँगा। जैतलपुर में भगवान ने बहुत सारे यज्ञ किए, जगन किए, अन्न कभी खुटा मोटा मोटा कैरा जगन खुटा नहीं ध्रुत गोल अन्न। ध्रुत मीन्स घी, गोल मीन्स गोल, अन्न मीन्स अनाज, अनाज पानी इतना बड़ा 18 लाख, काकाजी बोलते थे ना 1 लाख आदमी रोज खाना खाए, खाना खाए तो खाना परोसने का कैसा, दोनों बाजू बैठे हैं लोग, बीच में से बैल गाड़ा जाता है, एक बैलगाड़े में सिरा, दोनों बाजू से सिरा देते हलवा, पछी गाड़ू आगड़ पाछू आवे नहीं पीछे वाल कर गाड़ा तो फड़ाक दोनों बाजू देके आता है। 1 लाख आदमी वो जमाने में 18 दिन, इसलिए निष्कुणान स्वामी लगेगा मोटा मोटा कैरा जगन खुटा नहीं द्रुत गोल अन्न जेमा पर चा पड़े पड़े ते तो केम लखाए कागड़े। बोले इतने सारे पर्चे हैं तो मैं कितने लिखूं, इसलिए मैं आपको 2 पर्चा की बात करता हूँ। ऐसा करके निष्कुणान स्वामी प्रून करके 2 पर्चे पे आते हैं। एक हरिभक्त था उसका, उसकी नाम दो बात करते हैं, एक दयाराम नाम का हरिभक्त का बात पहले लेते हैं कि दयाराम नाम का भक्त था। स्वामीनारायण अभी जयंती आती है, वो दिन काकाजी का जो प्रवचन था ना, कदम कदम्बड़ू कमंडलू लेने निकला, 20 लाख काकाजी बोलते थे, 20 लाख सत्यन थे, 10 हजार तो हरि मंदिर थे, अपन बोलते हरि मंदिर, हरि मंदिर ग्रोथ तो हो भी था, 10 हजार हरि मंदिर। और हरिभक्त तो कैसे पक्के एकदम, जो नियम धर्म चेष्टा बरोबर पाले एकदम। तो वो दयाराम भक्त ऐसा था, मानसी पूजा का चुस्त, हमने वो मानसी पूजा की माधवदास की थी बात सुनी कि नाचे नहीं भगवान तो बंदगी सुकाम नहीं, तो माधव का वो ठाकुर जी नाचता था, हाथ घी देने गया, घी पे हाथ थोड़ा ज़्यादा गिर गया तो घी ले लिया, बट ये तो साक्षात बात देखी है। दयाराम नाम का भक्त था, मानसी पूजा करता था, उसको संकल्प हो गया कि सला अभी महाराज कहाँ हो गए, मेरे को उसको खाने खिलाने का मन है, क्योंकि मैं कैसे जमाड़ूँ, महाराज का चरित्र याद करता है, संकल्प करता है, तीव्र झंकना जागी। काका जी एक शब्द यूज करते थे तीव्र झंकना के लिए, तीव्र अभिप्सा। आपने तो बता छे ने डोबा छे, जितनी काका जी ने स्मृति दी है ना, उस स्मृति को बारंबार याद करो, डूबो उसमें, पावर आएगा। भगवान के साथ की बिताई हुई हर पल हर लम्हा उसको कालातीत बना दो, स्वामीनारायण 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 करते करते। तो दयाराम जो भी भगवान की स्मृति थी याद करता करता, महाराज ने ऐसा किया, महाराज आता था, महाराज ऐसा आया, महाराज कैसा आएगा, महाराज आएगा, महाराज आएगा, मेरे को खाना खिलाने का है। उतनी देर में तो घोड़ा का डबले का आवाज आया, ढड़ंग ढकड़क 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 ढकड़क।
आईवा पाखाड़ी घोड़ी ये चढ़ी पाखाड़ी घोड़ी। माणकी का दूसरा नाम था पाखाड़ी। क्यों पाखाड़ी नाम था? क्योंकि वो पवन बेग भागती थी, पंखा की तरह पाख आती थी उसको, ऐसा बोल पाख आवे ना जूम करती भागती थी। आई वा पाखाड़ी घोड़ी ये चढ़ी हये हार ने हाथ माँ चढ़ी। ऐ जरकसी जामो माते फेटो हाथमा छड़ी कंठमा हार फ्रेश पुष्पना हार बधु पहेरीने भगवान आव्या। बोलो तो ગાંડો થઈ ગયો કે સાચું છે? સાચા ભાવથી ચિંતન કરીએ આપણી ઝંખના, અમારી ઝંખના સચ્ચી હો, ઉસમે સદભાવ હો, દુર્ભાવ ન હો, અભાવ કા ભાવ ન હો, માઇક ભાવ ન હો, તો ભગવાન આતે હૈ મહારાજ મહારાજ। દેખો એ જો જો ભક્ત કા આયા અખ્યાન, ઉસમે કોઈ ઇન્ટેલિજન્ટ નહીં થયા, કલો ગબો મલો ભલો એવા જ થયા બધા। પણ નામ લખાઈ ગયા શાસ્ત્રમાં, નામ ઉસકા શાસ્ત્રમાં આ ગયા, ભગવાન ઉસકો સાક્ષાત મિલા। ઓર બહોત ઇન્ટેલિજન્ટ યે કોઈ મતલબ નહીં હૈ। તો સચ્ચે ભાવ સે ખાલી તુમ સ્વામિનારાયણ બોલો, હથિયા પડગર કો આદત થા, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, બાથરૂમ જાને ગયા તો સ્વામિનારાયણ બોલા, તો સ્વામિનારાયણને દરવાજા ખટખટાયા, કોણ? તો કે સ્વામિનારાયણ। અરે પ્રભુ અત્યારે? તો કે તું બોલ્યા મને? તો કે મને આદત છે। તો ભગવાન કે મેરે કો આને કા આદત હૈ? તુમને તુમકો બોલને કા આદત હૈ? જાઓ મેરે કો આને કા આદત હૈ, યે આને કા આદત હૈ, યે જબી પુકારા તો આ ગયા સ્વામિનારાયણ। ઇસીલીએ હમકો રોજ સુબહ મેં ઉઠન હૈ, એસે ભી ફિઝિકલી જોર સે સ્વામિનારાયણ પાંચ વાર બોલો, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, એસે ઉઠો, દેખો ફરક પડેગા, ટ્રાય કરો। સુબહ ઉઠ કે 11-12 સ્વામિનારાયણ નામ લેકે ઉઠો, તો એસે ઇન્ટેન્સ એસ્પિરેશન દયારામને ક્યાં મહારાજ પધારા, એટલે આવ્યા તો ખુશ થઈ ગયો, ચલો ઢોલિયો ઢોલિયા બિછા દયા, ઘોડી છોડી, ઘોડી કો ઘાસ કાટ, ખેડૂત કે ઘર મેં ઘાસ હોતા હૈ, ઘાસ કાટ કે લે આયા, ઘાસ દયા ઓર ભગવાન કો બોલા કે યહાં એક મિસ્ટેક કરતા હૈ ભગવાન, અરે ભક્ત જો હમકો ભી યહાં બરોબર ધ્યાન રખના હૈ। ઉસને ક્યા ક્યા કે મેરી બહેન ઇધર તીસરે ઘર પે રહેતી હૈ, મેં બુલા કે લાઉં, ઉસકો ભી ભાવ હૈ, ઉસકો ભી દર્શન હો જાય। તો મહારાજ ને ક્યા બોલા, ઠેર ઓકે વાંધો નહીં, તું જાતા હૈ ના, ગળે મેં હાર થા પ્રસાદી કા, એ મહારાજ કા ફૂલ કા એકદમ, ઉસકે ગળે મેં ડાલ દિયા, લે તું હાર પહેન લે, બાદ મેં તું ઉસકો બુલાને કે જા, મેરે કો વાંધા નહીં હૈ। ઓ ગયા બુલાને કે લિયે કે બહેન એસા મહારાજ હૈ આયે હૈ તો તું દર્શન કરને કે લીએ આજા। મારી બહેન છે ત્રીજે ભવન, કહું તેને કર દર્શન, દર્શન કરને બોલ્યા ક્યાં હું ગયા, મહારાજને હાર દે દિયા, લેકિન ઓ બિચારા દયારામ સમજા નહીં કે મહારાજને અભી હાર ક્યો દે દિયા, ગયા બહેન કો બોલા કે લાયા, જૈસા ઘર મેં આયા તો ન ઘોડી ન ઘાસ ન કુછ, બોલા સર મહારાજ ગયા કિધર, મેં અભી અભી ઇધર થા, ઇતના બડા ઘોડી ઇતના બડા એ ગયા કિધર। તો ઉસકી બહેન ખિજાને લગી, તું હે ને પાગલ હૈ, તેરે કો સલા સપના આયા હોગા, તું મેરે કો ઇધર ખાલી ખાલી લેકે આયા, તો કે નહીં નહીં 100% આયા, મેં મહારાજ કો મિલા, મેને પાણી પિલાયા, ઘાસ કો ઘોડી કો ઘાસ ખિલાયા, ફિર ગાંવ મેં ગયે દેખને કે લિયે કે મહારાજ કિસકે વહાં ગયે હોંગે, તો એક ઘર પે ગયે, દૂસરે ઘર પે ગયે, તીસરે ઘર પે ગયે, તો મહારાજ તો કામ મિલેગી નહીં એનો, કે ભાઈ ઇસકો બોલા કે આવો, ઇસકો બોલા કે આવો, બટ ક્યાંય પણ મહારાજ મહિલા નહીં। તો બહેન ખીજાય કે આ તું મને ખાલી ખાલી ક્યાં પાછું, તો કે ચલો આપણે ગામમાં જઈને જે, પછી કાઢી ગામમાં ખબર, નાથ આવ્યા છે કોઈને ઘર, પરસ્પર સહુને પૂછી વાત, પણ માલોજી ક્યાંય ન મળ્યા, ક્યાંય ભગવાન મળ્યા નહીં। ત્યારે પછી એને ટ્યુબલાઇટ થઈ કે સાલું આ તો શું, દયારામ કો સબ ફાઇનિંગ દેને લગે કે તેરે કો સબ સોચ આતા હૈ, તું ખાલી હંમેશા સોચતે રહેતા હૈ, મહારાજ કા ઇસીલીએ હુઆ હોગા, તબી ઉસકો ટ્યુબલાઇટ હુઆ કે ઠેરો ઠેરો ઠેરો, મેં ઝૂઠ નહીં બોલતા હું, દેખો મેરે ગલે મેં હાર હૈ, એ તો ભૂલી ભી ગયેલો કે ઉપસમમાં ને ઉપસમમાં, હાર નિકાલ કે દિખાયા,
कि देखो महाराज ये मेरे को फूल का हार देके गया, अभी फ्रेश फूल का हार, इतना बड़ा हार जैतलपुर में कहाँ मिलेगा। तभी सब लोग माने कि वाह इला कि वाह भाई वाह, ये मैं खोटू झूठ नहीं बोलता हूँ, ये प्रसादी का हार तो ये ताज़ा फूल का हार मैं कहाँ से लाऊँ। तो दयाराम को ऐसा पर्चा दिया। पर इसमें भी कहने का भाव क्या है कि उसकी शुद्ध भावना और उसका प्यास, बट जहाँ व्यवहारिक गड़बड़ गोटा करने जाता तो महाराज ऐसा। दूसरा जोईताराम का एक जैतलपुर का जोईता भक्त, जोईताराम वो भक्त सच्चा लेकिन थोड़ा मेरे जैसा आलसू था, दोपहर को एक आध घंटा सो लेता है, शाम को सो लेता है। भगवान का भक्त सच्चा लेकिन थोड़ा आलसू था, भक्ति करे पर घना में सूता है कि हमणा सु अपने हमणा अभी क्या भक्ति करना, जब रिटायर होंगे तभी भक्ति करेंगे, तभी आराम से बैठेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति तो पहले से ही करनी चाहिए जब भी तुमको समय मिला है। इसीलिए आज भगवान ने आपको बेस्ट टाइम दिया है, तो अभी तू तो जपी रे माला घनश्याम नी, एक एक पल देखो। ये काउंट लॉकडाउन का भी 4-5 दिन चला गया, ऐसे फटाफट और 4-5 दिन चले जाएंगे, बट अपुन जितना भजन कर लिया, स्मृति करी भगवान की, कालातीत बन जाएगा। तो ये जोईताराम ऐसा भक्त, तो उसकी भक्ति देख के एक बार महाराज ने उसको दिव्य रूपे दर्शन किया, डिवाइन दर्शन दिया। जोईता महाराज बोले, जोईता ओ महाराज तमे आओ आओ। तो के घबराई नहीं तो एक बात करूं, घबराई आप घबराओगे नहीं तो एक बात, कौन बोलता है महाराज कि तेरे को डर नहीं लगे तो मैं एक बात करता हूँ। तो क्या, हाँ महाराज हमारे साथ तुम्हारे साथ तो बांधो छेद नहीं गया, आपके साथ मेरे को कुछ बांधा नहीं है, बोलो। तो क्या आज तारीख आज तिथि क्या हुआ, तो क्या आठम, नेक्स्ट आठम को मैं लेने आने वाला हूँ तेरे को, प्रारब्ध के अनुसार तेरा जो आयुष्य है वो खत्म हुआ है, लेकिन तू मेरा भक्त है तो मैं तेरे को लेने के जरूर आऊँगा। तो बोला कि कहीं बांधा नहीं महाराज, मैं तैयार हूँ, मेरे को बांधा नहीं है। और एक बात बोला महाराज कि देख आऊँगा तो सही, लेकिन तेरा मौत जो है ना वो भी एक पिक्यूलियर संयोग में है। जैतलपुर की वेस्ट में पश्चिम में एक कुआ है, बावड़ी है, जहाँ तू रोज नहाने जाता है। तो अवती आठम को तू नहाने जाएगा, वो बावड़ी का एक भाग गिर जाएगा और उसमें तू मर जाएगा, शरीर उसमें चला जाएगा, लेकिन तेरी चेतना को मैं अक्षता में लेके जाऊँगा। ये भी वचनामृत में है, प्रथम का पहला ही वचनामृत। भगवान वो भक्त धाम में जाए त्यारे एने भगवान ब्रह्मपुर में लई जाए, एनी चेतना ने। तो वो बोला अभी उसकी जगह पे, जोईता की जगह पे हम बोले तो हे महाराज नहीं नहीं भाई एक काम करो, मैं वहाँ नहाने ही नहीं जाऊँगा, मैं घरवाड़ी को बोल दूंगा रोज 2 डोल लाओ, मैं घर में ही नहा लूँगा। लेकिन जोईता भक्त था, बोला भले महाराज लेकिन आप इधर आए हैं तो खाना खा के जाओ। तो बोलता है देखो ऐसे जो भक्त, महाराज ने कसौटी किया एक्चुअली तो, कि मैं डेथ, कोई डेथ ना आशीर्वाद एक्सेप्ट करे, कोई डेथ की आशीर्वाद एक्सेप्ट करेगा हा? अभी कोई कोरोना से आया है बोलता है नहीं नहीं भाई बचा लो ना यार कोरोना से, भाई कोरोना से भले तुम मरोगे लेकिन तुम्हारा अक्षरधाम पक्का है, बिकॉज मैं तुमको लेने आने वाला हूँ। चलो प्राण वल्लभ का प्रसंग बताया ना भरत भाई ने, नासिक में था पर नासिक में उठा। तो इधर सूक्ष्म देखो कि भगवान को बचाने का सवाल नहीं है, स्वामीनारायण मुझे लेने आया है वो सवाल बात, वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाराज प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति पर, क्योंकि उसने ऐसा नहीं मांगा कि महाराज मुझे बचाओ, ही एक्सेप्टेड द डेथ, एक्सेप्टेड द सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसे आत्मदर्शी भक्त का खाना भी भगवान को अच्छा लगता है। भगवान ने बोला बनाओ, चलो खाना बनाया। अभी वो टाइम पे उसके पास थाली नहीं थी तो पत्राला में खाना बनाया परोसा, महाराज ने खाया वो भी खुश हुआ, हास महाराज तुमने मेरा खाना खाया। फिर महाराज के बोला कि ये लो मुखवास, आप मुखवास ग्रहण करते हो ना, मुखवास खाओ।
सेम मिस्टेक जो दयाराम ने किया वो इसने किया, बिकॉज वो तीसरे भवन में मेरी बहन रहती, मैं उसको बुला के लेता हूँ। महाराज के ओके, तो बुला के लाता हूँ, जाओ। गया, आया तो न महाराज न कुछ नहीं, लेकिन वो पतरावाड़ा था। जिस पतरावाड़ा में बहन भगत थी, बहन ने माना कि महाराज सरोपरि है। महाराज ने खाना खाया, आज भी वो घर में वो प्रसादी का पतरावाड़ा जेतरपुर में है। ये बात सब सच्ची है भरत भाई। वो जो तुमने जंप को दांत देके दांत में तोड़ के मारा ना, परसों दो दिन पहले आया था ना बात, वो दांत जूनागढ़ में था, लेकिन जो धर्मशाला जल गई योगी बाबा का, उसमें वो दांत जल गया था। अदरवाइज जमने जो दांत तोड़ी थी, दांत हतो। सो स्वामीनारायण का ये जो पर्चा है वो खाली पर्चा नहीं है, ठोस हकीकत है। ये जब भक्त होता था ना, ये महाराज जो दिव्य देह जाता था बराबर, तो अपने लोगों को दिव्य देह जाता था, पर जो मुरजी ब्रह्मचारी था वो बहुत बड़ा भक्त था। तो 10 बजे है ना, महाराज की नींद खुल जाती थी। ऐसा पड़का भरे। तो ब्रह्मचारी चिंता करे कि तुम क्यों सो जाओ ना भाई, तुम क्या, तो कि मेरे को ये भगत पुकार रहा है, मेरे को ये भगत, उसका नाम दे। मीन्स वॉट हैपनिंग, कि दैट मीन्स कि वो टाइम पे दिव्य देह वहां से निकल के वो जाता था। इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन। दूसरे की खुशी में अपनी खुशी है, दूसरे के जीवन में अपना जीवन है, दूसरे के आनंद में अपना आनंद है। किसी को मिथी मार में क्या आनंद मिलेगा यार? दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। इन द जॉय ऑफ अदर्स सहजानंद, इसका उसी ने नाम था। सहज में सबको आनंद देते थे, आनंद डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सहजानंद। तो ऐसा जोईता राम भक्त, और वो पतराड़ा आज भी जेतलपुर में है। ऐसा जेतलपुर का प्रसंग निष्कुरान साईं बोलते, मैं कितने प्रसंग गुरु, हर एक भक्त जितना भक्त उतना प्रसंग। किसको प्रकट पणे पर्चा देते हैं, किसको तेड़ने को जाते हैं, किसको दिव्य रूप में जाते हैं। एक हरि भक्त को तो बहुत फैंटास्टिक वे में महाराज लेने को जाते हैं, उसका नाम था दयाल जी। महीने काठे चमारा गांव, मही नदी के कांठे पे चमारा गांव था। दयाल जी सुतार नाम का भक्त रहता था। दयाल जी सुता, अति निर्मल कोमल चित, जेने प्रगट प्रभु मा प्रीत। जिसको प्रगट प्रभु में प्रीत होती है उसका चित्त कोमल होता है, वो कठोर नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, दयालु होता है, प्रीत वाला होता है। जेने अति निर्मल कोमल चित्त, जेने प्रगट प्रभु जी मा प्रीत। ऐसे प्रगट प्रभु जी में प्रीत वाला दयाल जी बीमार पड़ा था, आयुष लगभग पूरा होने आया था, उसको तो मालूम नहीं था। लेकिन वो चमारा गांव में महाराज रोजे घोड़े के ऊपर सवार होके, जरकसी जामो मोड़ियू बुकानी फेटो बधु वाड़ीने जता था। बहुत सारे संतों साथ में, बहुत सारे हरिभक्तों, बहुत सारे घोड़े, सबके हाथ में माला लकड़ी ये वो, बहुत सारे एकदम जैसे साकरदा में 500 परमहंस दोनों देश के आचार्य लेके महाराज जो आए साकरदा गांव में, ऐसा बड़ा संघ लेके महाराज जा रहे थे। तो वहाँ ये सैलू जैसा लड़का खेलता होगा, 4-5 लड़के लोग, वो बोला कि अभी स्वामीनारायण भगवान, गांव छोटा होता है तो क्या होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है तो फैल जाती है। अरे कोई आया, खाली बस आती है ना, बस हम छोटे थे गांव में जाते थे तो बस आती है और बस में से कौन उतरता है वो भी देखते हैं, कौन कौन आया कौन कौन गया। गांव इज़ वेरी स्मॉल ना, तो वो दौड़ते दौड़ते दयाल जी के, उसको लगा कि दयाल जी के घर पर जाते होंगे, क्योंकि दयाल जी स्वामीनारायण का भक्त है, दूसरा तो कोई इधर बहुत भक्त है नहीं, तो दयाल जी के घर पे महाराज जाते होंगे। तो वो जाते जाके पूछने लगा
कि भाई महाराज आए यहाँ, बहुत बड़ा तुम बुरा सामान लेके आते हैं, बड़ा ये लेके आते हैं। तो उनके घर वाले बोले भाई वो तो बीमार है, यहाँ तो कोई आया नहीं है, यहाँ तो कोई घोड़ा गाड़ी कुछ दिखता नहीं है, हमारे यहाँ तो दयाल जी खुद बीमार है, तो मैं क्या करूँ। तो कि नहीं नहीं अभी मैं गांव में, गांव के पादर से आया हूँ, भागोड़ से आया हूँ, वहाँ बड़े बड़े संत, बड़े आचार्य जैसे लोग, बड़े बड़े घोड़े वाले, हाथ में माला, कंठी, हाथ में छड़ी, ऐसे लोग बहुत सारे जन जा रहे हैं, तो शायद तुम्हारे वहाँ ही आते होंगे। तो ऐसी बात करता था, उतने में दयाल जी जो बेचारा अर्धा बेभान अवस्था में था, उसको मालूम, उसको यू नो अर्ध जागृत अवस्था बोलते हैं, धम में जाने वाला ऐसी हालत में था, वो बोला उसके सगे वाले को, उठो भाइयों सहु मड़ी करो वाला जी नी चाकरी, आपो घोड़ी ने घास नी लेरी करावी ए रसोय वेली। वो बोलने लगा सब जागो जागो, महाराज आए हैं, उठो भाई जल्दी रसोई करो, सब हरि भक्तों के घोड़े के लिए घास लाओ, पानी लाओ, बैठने का ये करो, खटिया लाओ, ढोलिया लाओ। तो वो उसका सगा वाला बोला कि ये पागल हो गया, बिकॉज उसका आपने क्या ना थोड़ू मगज उलू थी जाए, अभी नैना बहन हॉस्पिटल में है हेमंत भाई के वहाँ, तो बहुत बोलते हैं ऐसे कि मेरे को भजन बोलने का है, मेरे को ये करेगा। वो दिनकर भाई को फ़ोन करती थी, वो दिन तो बोलती थी मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो ऐसा होता है। तो वो बहुत बोला, तो उसके उसके सगे वाले बोलने लगे कि भाई ये तो उसको कुछ ऐसा हुआ इसलिए बोलता होगा। तभी वो बोले यहाँ कोई नहीं है, कहे दयाल जी आओ बा आप, बहु हो तो भैरो मार, बहु हेते भैरो मारो बाप। अरे मारो वालो हेते हस्तो हस्तो मारी हामे उभो छे, तमने देखातो नथी, मारो बाप मने लेवा आव्यो छे, आ उभा छे, जल्दी जल्दी पाणी लावो, आसन लावो। पछी दयाळजी ने कहू, दयाळजी ए बधुं छोड़, मैं तो आपको लेने को आया हूँ। हाँ, तभी दयाल जी को लगा महाराज आएगा। तभी दयाल जी ने बोला सबको जो बाकी वाले थे कि तुम्हारा काम नहीं है, महाराज मेरे को लेने को आए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, ये छेल्ला जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण करके, हूँ तो जाऊँ छू महाराज मैड़ा, एम कहता तेनो देह पैड़ा, सौ रया छे आश्रय आश्चर्य पामी, कहे धन्य धन्य तमे स्वामी। छेल्ला स्वामीनारायण बोल के भड़ाक करके लाश गिर गई, चला गया महाराज उसको लेने को आया। कहने का बात यह है कि ऐसे ऐसे हरिजन को पर्चा देते हैं, ऐसे पर्चा अभी भी होते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वो ताई का पप्पा था, नाम क्या, आहिर साहब, वो गुम जाते थे बहुत लास्ट अवस्था में, जब भी ब्रेन तक लहू पहुंचता नहीं है तो याद नहीं रहता है। तो वो कितना धुन किया था मिला बाद में, लास्ट में तो ऐसा होता था कि कैसा करके उसका देह ही पड़े नहीं, बहुत तकलीफ पड़ती थी। तभी ये सब नल्लू बहनों सब बोलने आए, तो भरत भाई वो सामने रूम था, तभी ये जो चार रूम है ना वो सामने थी, उसमें पहली रूम में काका जी का जो ऊपर पालकी है वो वहाँ रखा था, और लोटा था, लोटे में काका जी का अस्थि था, वहाँ बैठे, फिर धुन कराई और बोला कि अभी, फिर बात पड़ी एक स्वामी की बात, वो बात आई उसमें आया तरना लेके, मुंह में तरना लेके सबकी माफ़ी मांगो, ऐसा करो फिर तो ऐसा होगा, ऐसा करके आया, और नेक्स्ट डे या तो वही दिन शाम को वो धाम में गया। तो सत्संग क्या सिखाता है कि सत्संग ये जो घटना घटती है उसको डिविनाइज वे में ट्रांसफर कर देना था। हम लोग स्थूल में लेते हैं, अभी बेकार है, कुछ होने वाला है, हम नेगेटिव भाव में रहते हैं कि यह तो ऐसा ही है, कुछ बात होने वाला नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, हाउ टू चेंज द सर्कमटेंसेस, तुम्हारी भजन से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे अंदर के भाव से, तुम्हारी ओपननेस से, आप भगवान को कैसा
आप सर्कमटेंसेस को, नेगेटिव सर्कमटेंसेस को कैसे चेंज कर देते हैं वो पर्चा है। प्रकाश हो जाता है, कुछ सोल्यूशन मिल जाता है, वो पर्चा है। और ऐसा पर्चा आज भी सहजानंद स्वामी अपने को देता है, यू नो। और ऐसा ही पर्चा भक्त बनेंगे, क्योंकि छोटे छोटे भक्त हैं, दयाराम, प्राणवल्लभ, कलो, जीवराम, जोईताराम, बट भाव से भगवान में जुड़े हैं। तो काका जी के पास भी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े भक्त आते थे और हर रोज बहुत सारे ऐसे पर्चे बनते थे। बट यहाँ गुणातीतानंद स्वामी ने क्या कहा इसमें, मुक्तानंद स्वामी ने कोई ना इच्छे पर्चो, पर्चा इच्छने की बात नहीं है, जीवन जीने की बात है। सत्संग मिला है तो सत्संग में जो सिखाया जाता है, जो एटीट्यूड, जो नियम धर्म बात, जो चेतलपुर 4-5 में बोला महाराज ने कि तमें जो नियम धर्म पाड़सो तो तुम्हारा महाराज संबंध जाओ, तो भाई थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नो यू। तो सत्संग के जो गुणातीत परंपरा, गुणातीत समाज की जो रीत है वो क्या है कि ऐसा बन के हम ऐसे भक्त बने कि हमारा वर्तन देख के हम इतने शांत अवस्था में रहते हैं, इतने हमारे हम प्रसन्न चित्त में, हम झगड़ा झगड़ी घोड़ा घड़ी में रहते हैं, दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। पर हमारा बोलना, बैठना, उठना, चलना, गुणादित ज्योत की बहने हैं, बहने हैं, तो बहने जहाँ जाती है वहाँ शांत हो जाता है। ऐसे भक्त बने, ऐसे भक्त हम बने तो काका जी तो बोलते थे कि आश्चर्य की परंपरा आपके जीवन में रोज घटेगी। आश्चर्य विल हैपन डेली, डेली आश्चर्य बनेगा, दैट इज वॉट आश्चर्य पर्चा। तो ऐसे ये पर्चे की बात और ये आख्यान अभी हम पढ़ लेते हैं और बाद में भरत भाई आगे का 139 का लेंगे। चलो 138। सहजानंद स्वामी महाराज जय। एक संभरी सारी भारता सत्संगी ने सुख देना, विति नथी वखाण तो कहूं दीठी छे मारे नेण। मैं गप्पा नहीं मरता हूं, मैं जो देखा है वो बोलता हूं। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव सीन। धन्य धन्य सत्संगी ने जेना पुण्य नहीं नहीं पार, धन्य धन्य श्री महाराज ने आपा परचा अपार। जोई परचा जनना जे नहीं माने नर नार, तेज अभागी तन छता मरी जासे जमने द्वार। ए जन जाने आस्तिकी जेने साचु मनाणु मन, कहूँ हवे कीर्ति कति हरि हरि जननी पावन। धन्य धन्य चेतपुर गाम वाले जेने करू नीच धाम, तेमा मरे पापी नर नार, ते पण जज जमने द्वार। तेमा परचा आप्या वाले बहु जाने छे जन गाम न सहु, मोटा मोटा कर्या जा जगन खुट्या नहीं द्रुत गोल अन्न। एमा परचा आप्या पड़े पड़े ते तो के मल खाय कागड़े, पण कहूँ छु एक बे वात हरि भक्त तणी विख्यात। एक द्विज भक्त दया राम प्रभु पधारिया तेने धाम, आया पंखाड़ी गोड़ीए चढ़ी हये हार ने हाथ मा छोड़ी। जोई जन तयो रड़ियात अहो आसई आश्चर्य वात, अति प्रेम माई लाग्यो पाय ढाड़ी ढोलीड़ो बेसार्या त्याय। नीर्यु भोड़ी ने नीले रुगास उबो हाथ जोड़ी आगे दास, आपो आगन्या कराऊं थाळ दया करी ने जमो दयाळ। मारी बोन छे बीजे भुवन कहूं तेने करे दर्शन, कहे नाथ आया छाना में
जाजू जाहिर न करो तुम्हें पब्लिसिटी नहीं करो, मैं खानगी में आया हूं, मैं हैव कम कॉन्फिडेंशियली। आज जाऊं छे गाम डभण एक जन ने तेड़वा जाण आही रहू छे घड़ी बेचार पछी तरत थाऊं छे तैयार माटे आयो ओरो आपू हार जातो जाजी करी समावार दीदो हार गयो दया राम थया अदृश्य सुंदर श्याम घेरे आयवा बेऊ बेन भाई नाथ न दीठा मंदिर माही पछी काढ़ी गाम मा खबर नाथ आव्या छे कोई ने घर परस्पर सहुने पूछी वड़ा पण वालो जी क्याय न मड़ा कहे सत्संगी बेसो जाए घेर प्रभु विराजे छे कच्छ तेरे भगवान तो कच्छ ने तेरा मजा यहाँ क्या छे तुम्हारे घरे बेहो तमे गप्पा मारता लागो छो कहे दया राम ते हवार आजो आप्यो हमणा ज हार कहे सत्संगी धन्य धन्य थयु अलौकिक ने दर्शन आप्यो प्रभुए परचो आज धन्य भाग्य तारा द्विज राज वड़ी एज गाम माही एक आप्यो परचो गौ करी विवेक एक द्विज भक्त छे निष्काम जाण्यो जोय तो तेनू नाम तेना देहनो आवियो अंत आयवा मास मोरे भगवंत एक मास पहला आस मायवा मास मोरे भगवंत एक मास पहला आवी गया अलौकिक रूपे आविया नाथ जोई जन थयो छे सनाथ कहे जन धन्य भगवान दीदा दास ने दर्शन दान करो रसोई जमीए आज मेहर करी मुर महाराज कहे नाथ तू कर रसोई आज जम सुजन जो सोई पछी जोये ते कर्या भोजन जैमा भावे सुजग जीवन पछी आपू सुंदर मुख वास हाथ जोड़ी बैठो प्रभु पास त्यारे बोलिया एम महाराज आवे आव्या छीए तारे काज तने कहवी छे वार्ता एक हये धार जो करी विवेक तारु तन ते पामसे नास एक आड़ो रयो छे एक मास नावा जई से कूप मानी रे पड़से कृप लाग से शरीर कूप मिस कुओ तू जर आप जब इस स्नान करने कुएं पे जाओगे तो कुएं का एक भाग गिर जाएगा और आपका शरीर गिर जाएगा त्यारे छूटी जासे तन तारू मन जो वचन ए अमारू आवसु तेड़वा तने अमे सहाय करसु समे समे रे जे आनंद माही तू जन कर जे नारायण न भजन आवत तू कह जे एक मास जे होय नकी प्रभु नो दास भगवान के जो दास नहीं होगा उसको मत बोलना जो डाउट करने वाले हैं गड़बड़ गोटे वाले हैं उसको बोलने का ही नहीं भगवान ना दास ने भगवान नहीं बात है भगवान दास एम कही रया जारे नाथ त्यारे विपरे जोड़िया हाथ एक सत संगी बोन मारी ते तो इच्छे छे तमने बिचारी तेने दर्शन दियो दयाल तो हूँ तेड़ी लाऊं तत्काल गयो विपर तेड़वा काज केड़े थकी पधार्या महाराज तेड़ी लायो छे बोनने भाई पड़ियो दीठू पत्रा वाळू त्याई जोई प्रताप करे छे जन के मरया नहीं भगवन कहे जोई तो ए मारे काज आयवा ताल बेलो महाराज मने कही गया छे वचन मास पछी तो जी सतन माटे आवात के ने मके जे तारा मन समझी रे ने बेन सत्संगी हती ने कीधु के तू बेन याद रख जे एक पछी एक महीना पछी हूं जवानो छु तू किस को बोलना मत बट माय एवरीथिंग इज फिक्स्ड पछी पूरो थयो जारे मास
ਚਾਰਿਆ ਆਵਿਆ ਪੋਤੇ ਅਵਿਨਾਸ ਤੇੜੀ ਚਾਲਿਆ ਜਨਨ ਜੀਵਨ થયો બીજાને પણ દર્શન જરા આવ્યા ત્યારે બીજાને દર્શન થયા એહ પ્રતાપનાથનો જોઈ જન મગન થયા સહુ કોઈ એક વાર તા કહું વખાણી લેજો સામર્થી નાથની જાણી મહી તીરે છે ગામ ચમારા તેમાં ભક્ત રહે છે સારા નામ ઘાળ જે ભક્ત ભણીએ સાચો ભક્ત સ્વામીનો ગણીએ અતિ નિર્મળ કોમળ ચિત્ત જેને પ્રગટ પ્રભુજીમાં પ્રીત તેના દેહનો આવ્યો અંત આવ્યા તેડવા સ્વામીને સંત મુનિ મંડળ છે સર્વે સાથ આવ્યા દયાળજી પાસે નાથ ધાર્યું દર્શન સર્વે ગામ કહે પધાર્ય સુંદર શ્યામ દિયા દયાળજીને દર્શન નિરકીનાથને થયો મગન કહે ઉઠો ભાઈઓ સહુ મળી કરો વાલાની ચાકરી વળી આપો ઘોડાને ચાર નીલેરી નીલેરી એટલે ગ્રીન ગ્રાસ સૂકું ઘાસ નહીં આપતા ઘોડાને દેખો ઘોડાનો આટલો મહિમા કે ઘોડે કો સૂકા ઘાસ મત દેના એને ચારજામો કહેવાય શું કહેવાય પેલું કહો રચકો અચ્છા ગ્રીન ઘાસ દેના આપો ઘોડાને ચાર નીલેરી કરાવીએ રસોઈ વેલેરી જમે મહારાજને મુનિજન આજ પધાર્યા છે ઘણે ધન એમ કહીને ઉઠ્યો આપ કહે બહુ ધને થયો મેળાપ સહે ઘરના માણસ રહ્યા જોઈ દેખે દયાળજી ન દેખે કોઈ કહે ગામ લોક અમે આજ આવ્યા ત્યાં સુધી દીઠા મહારાજ કહે દયાળજી આવ બા આપ બહુ હેત ભર્યા મારો બાપ હું તો જાઉં છું મહારાજ મળ્યા એમ કરતા તે હતે હઠેળ્યો સૌ રહ્યા છો આશ્ચર્ય પામી કહે ધન્ય ધન્ય સમર્થ સ્વામી સાચા તમે સાચો સતસંગ પાપી જીવન નહીં કરે પ્રસંગ આવી રીતે છૂટે ક્યાંથી દેહ મોટા મુનિને દુર્લભ એહ થયો પરચો કૌસહુ મળી કહે વાત બીજી લો સાંભળી એક કણ બી કુશળ બાઈ જેને પ્રીત અતિ પ્રભુ માઈ થઈ તાણ ની રખવાનાથ ચાલ્યા દર્શન લઈ સંગાત ક્યારે નિર્કુશ્યામ સુખકારી અંદર છે તીવ્ર ઝંખના ઇન્ટેન્સ એસ્પિરેશન જગીતી પ્યાસ જગીતી ભગવાન કા દર્શન કભી હો ભગવાન કા દર્શન કભી હો ભગવાન કા દર્શન કભી હો અતિ પ્રેમ વસા થયા પ્રાણ નાડી ન રહી નહીં ઓળખાણ એવે સમય આવ્યા અલબેલ છેલ છોગાળો છબીલો છેલ શોભે સુંદર મૂર્તિ સારી આવી ઉભા આગે સુકે ત્યાં જ આવી ગયા આગળ જવું નહીં પડ્યું હસી હસી બોલાવે દયાળ કરો દર્શન તન સંભાળ ત્યારે હરિજન થયા સચેત લાગ્યા પાય કરી બહુ હેત કહે ધન્ય ધન્ય મહારાજ દીદા અલૌકિક દર્શન આજ ત્યારે નાથ કહે સુણો જન તારું જાણ્યું જે છૂટશે તન માટે આવ્યા ઉતાવળા અમે કરી બહુ તણ જ્યારે તમે હવે અમે જાસુ પાછા વળી તમે આવજો સૌ્યા મળી એમ કહી કંઠથી ઉતારી આપી માળા માળાની સારી કંઠની ઉતરી મીન્સ વોટ કંઠ મેં જો સોને કી ચેન તા વો ચેન દેકે ગઈ ઓર સુખડની સારી માળા સુખડ કી વો ટાઈમ પે મહારાજ કે પાસ સુખડ કી માળા ભી હોતી થી ઓર સુખડ કી માળા દે દેતે થે અભી ભી દેખો યે
गुरुजी अपन बोलते हैं आनंद स्वामी की चेतना, तो वो उनको महाराज के टाइम पे उतना क्लोजली देखा होगा कि अभी भी वो जो जो सुखड़ की देते तो वो एक मुखी सांग ऐसी माड़ा वो कराते हैं और हरिभक्त को देते हैं, देने में मना नहीं रखते, चिंगूसाई नहीं रखते, प्रेम से देते हैं। तो दैट भाव इज कंटिन्यूइंग। एक कंठी का जो जीणे पारे दीदी वाले ते पणते वारे दही माड़ा हो चालिया मारा जीणे पारे। देखो वोट अपना अपना अत्यारे क्या ना कि मेरे को कंठी दो तो अभी झाड़ा पारा कहते हैं तो बहुत हरिभक्त ने झाड़े नहीं, मेरे को झीणे पारे की दो, छोटा पारा इसको बोलते हैं छोटा पारा की, किसके पास बड़े पारे की होती छोटे पारे की, तो हमको झीणे पारे की कंठी दो। तो एक कंठी बाजू झीणे पारे दीदी वाले ते पड़ते वारे दही माड़ा हो चाला महाराज करी अलौकिक एह काज जोई जन पाइमा छे आनंद कहे धन्य धन्य सहजानंद जेह आपी मूर्ति ए माला ते परवे छे हजी मराळ। अभी भी वो माला मूर्ति उतरी सब है आपी अलौकिक दान एह दीठी छे निष्कुल आनंद देते है। जो जो दिया हुआ है वो निष्कुल आनंद ने देखा हुआ है, इसलिए वो बोलता है मैं जो बात करी है वो कोई देखी हुई नहीं, कि तो मैंने खुद देखी हुई खुद अनुभवी हुई देख वालता बोलता हूँ। आपी अलौकिक दान एह दीठी छे निष्कुल आनंद देते है। इति श्रीमदेकांतिक धर्म प्रवर्तक श्री सहजानंद स्वामी शिष्य निष्कुणानंद मुनि विरचिते भक्त चिंता मणि मध्ये श्री महाराजे हरिजन ने प्रचापुरा एनामे 138वें प्रकरणम समाप्त। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सदगुरु श्रीमद सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दीयाकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा जेनीयमृतवाणी तो वैरै साक्षात् महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्याक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थे तत्पर रहे ताका स्नेह लसिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। बोलो सहजान स्वामी महाराज नी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नी जय। जय जय गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव नी सर्व गुणातीत स्वरूपोनी जय। जय जय आज के आनंद की, सदगुरु देव की, भक्त चिंतामणि पर्चा प्रकरण पारायण की जय। जय जय बापू ने अभी बोला वो भजन की एक कड़ी गा लेते हैं। स्वभावनो दे साथ छोड़ावी दृष्टि मारी दे दिव्य बनावी अटकू न क्याए दे आज चूकी तारा माले ने समावी कारो प्रार्थना मारी योगी तारी निर्दोष बुद्धिना क्या ए ना आवे आरा
आए नावे हरा मुझे नहीं तारा मार गन्यारा सूझे नहीं तारा मार गन्यारा क्या रे आवसे किनारा क्या ये नावे आरा। स्वामीनारायण भगवान की लीला अपरंपार चल रही है और दिन प्रतिदिन देखते हैं कुछ न कुछ वो सब वायरस का ये सब प्रभाव बढ़ते ही जाता है। अपने देश में थोड़ा कम है वो भी भगवान की कृपा है, बढ़ाई अभी परसेंटेज वाइज कम होती जा रही है, फिर भी जो देश का सब पूरा कारोबार है वो आगे आने वाली ज़्यादा आपत्तियों के लिए सज्ज हो रहा है। आज मेरे डॉक्टर साहब आए थे वो बता रहे थे कि सभी हॉस्पिटल में सबको बोल दिया है कि आप ऐसी तैयारी करो जिसकी वजह से कुछ भी ऐसी परिस्थिति इमरजेंसी आ जाए तो उनके लिए हम तैयार रहे, लास्ट मोमेंट पे सब तैयारी न करने पड़े। इसी तरह से ये सब तैयारी तो करते ही है। भगवान की जो शक्ति है वो अमाप है, वो हम ये सब पर्चा प्रकरण से वगैरह से हम देखते हैं, सब जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी जो चेतना है स्वामीनारायण भगवान के समय से एलिवेट होते जा रही है। अभी जैसे बताया कि हमें यहाँ ही अक्षरधाम मानना है, जीते जी भी अक्षरधाम है और मरने के बाद भी अक्षरधाम। वो टाइम में जो हमारी चेतना थी महाराज के संबंध में आई थी और ये सब पर्चा वो टाइप का था। अभी भी पर्चा धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। अभी बहनों का सब भजन देखेंगे तो उसका अलग ही भाव आएगा, प्रार्थना का, अंदर का चैतन्य के रूपांतर का, ये सब भाव आएगा। और इसी धीरे 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 इवोल्यूशन हो रहा है। मीन्स जो हो रहा है वो सब महाराज की शक्ति और महाराज का संकल्प से हो रहा है। ऐसे महाराज ने बोला, महाराज ने वो वरदान दिया है कि मैं ऐसे गुणातीत संतों के द्वारा ये पृथ्वी पर हमेशा हमेशा प्रकट रहूँगा और ऐसे भक्तों के द्वारा प्रकट रहूँगा, ऐसा सब महाराज ने वरदान दिया है। वो वरदान के हिसाब से हमें ऐसे प्रत्यक्ष गुणातीत संत मिले हैं, वो हमारी बहुत बड़ा हमारे लिए भाग्य है, हमेरा बहुत बड़ा भाग्य है। और हम ऐसे महाराज के टाइम पे ही हो गए तो हमें ये पहचान होती है, नहीं तो हमें ऐसा समझ में आएगा नहीं। तो ये सब पहचान हुई है, उसके साथ में दूसरा हमारे को हेत हो जाता है कि भाई ये काका जी मेरे हैं और मैं काका जी का हूँ, ऐसा सहज में हो जाना। वो भी हम पूर्व जन्म के या तो ऐसे पूर्व के मुक्त हो गए तो ही होता है, नहीं तो होता नहीं है। तो ऐसे जो प्रत्यक्ष गुणातीत संत मिले उसमें हमारा हेत हुआ और उसने हमें बोला कि आप हमेरे हैं तो और हमको मानने में आ गया, वो मेरा बड़ा भाग्य है। तो ऐसा मेरा कल्याण तो अंत समय तो होना हो ही गया है, मगर ये जीते जी कल्याण होने की बात है। और ऐसे स्वामीनारायण भगवान के टाइम में ऐसे बहुत सारे भक्त का ये पर्चा इसलिए पढ़ते हैं कि भगवान के पावर कितना है, कहाँ कहाँ जाके भगवान सबकी सहाय करते हैं, जहाँ पहुँचने की कोई अवश्य वो ही नहीं होता है, कोई क्या बोलते कोई साधन नहीं है, पहुंच सकने की कोई शक्यता नहीं है, वहाँ भगवान पहुंच जाते और उसको अनुभव कराते कि मैं हूँ। कल भी बताया था ना कि वो स्वामीनारायण स्वामीनारायण नाम लिया, भगवान आ गए। भगवान बोले आप, वो बोलते क्यों आए, तो बोलते आपने पुकारा ने,
तो बोलते हैं मेरे को तो पुकारने की आदत है, स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलता हूँ तो कि मेरे को आने की आदत है। ऐसे भगवान दयालु है और ऐसे दयालु भगवान हमें मिले हैं। ऐसे उनके जो पर्चा है वो 139वां प्रकरण में दो तीन पर्चा की बात है, हम उसको थोड़ा थोड़ा वो गाएंगे भी और मैं समझाऊंगा भी उसमें बीच में। तो शुरुआत करते हैं, नागजी भाई का प्रसंग है। नागदान सोनी, वो जो दामू भाई सोनी थे नैना बेन के फादर, उसके कुटुंब में ये नागदान भाई हो गए। और वो महाराज के संपर्क में कैसे आए थे, सोनी थे, और उसका कैसी रक्षा हुई, वो सब बात यहाँ महाराज ने ये प्रसंग में पर्चा में निष्कुणान स्वामी ने वो प्रसंग भक्त चिंतामणि में लिखा 139वां प्रकरण में। तो ये दूसरी बात हम सुनते हैं। आश्चर्य वात छे अति गणी, कहता आवे अति आनंद, भक्तनी भीड़ बांग वाचे समर्थ सहजानंद। जड़े स्थले ज्वाला थकी जे करी जननी जतन, भाकुते हवे भावसु सौ सांभण जो दईमान। लौकिक मा अलौकिकनी वड़ी वर्णवीने कहूँ वात, हरि हरि जन नाजे सुजच से साक्षात। सांभता संकट तड़े वड़ी कहता कड़ी मल जाय, दर्दी संभारे जे दर्द मा तेनी श्री हरि करे सहाय। एक रूडु राजुलु छे गाम, तिया सोनी भक्त नाग नाम, खरो विश्वासी जन जानो साचो भक्त प्रभु नो प्रमाण। बहुत अच्छा भक्त था, सोनी भक्त था, राजुला में रहता था। और भक्त है तो वो भक्त का हमें क्या व्याख्या हो, भक्त एकदम स्वभाव के बिना वाला होना होता है, मगर उसमें कुछ न कुछ तो आदत होती है, स्वभाव होता है, कोई कुटेव होती है, वो सब होता है, मगर फिर भी भगवान का भक्त सच्चा होता है। और ऐसे भक्त वो राजूला गांव में रहते थे, सोनी थे, और सोनी का धंधे में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। तो उसने सोचा मैं कुछ दूसरा बिजनेस करूँ, दूसरा बिजनेस करने गया और बिजनेस किया, बाद में उसको लगा और मैं अच्छा बिजनेस करूँ, तो दूसरे गांव में जाके वो लेके आऊँ, शहर में जाके सामान लेके आऊँ, यहाँ बेचूँ, वैसा वैसा करते थे। और बिजनेस धीरे 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 आगे बढ़ाते थे। भगवान के पास भक्त की कैसी इच्छा, हमेशा एक इच्छा पूरी होती है ना, तो भगवान के पास हमारी दूसरी इच्छा तैयार ही होती है, वो पूरी नहीं होए उसके पहले वो तैयार हो जाती है कि महाराज ये पूरा करना। 5 लाख मिला तो हमको ऐसा होता है नहीं नहीं और भी 10 लाख मिलना चाहिए। अरे भगवान आपने बोला था 5 लाख, तो 5 तो मिल गया, तो कि नहीं नहीं और 10 चाहिए, 10 मिलेगा तो नहीं अभी तो अंबानी बनना है। अरे भाई एक के बाद क्यों ऐसा करते हो, समझना चाहिए कि हमारी भगवान इच्छा पूरी करते। तो ऐसा भगवान का ये जो भक्त था, बाद में उसने सोचा मैं परदेश जाऊँ। वो टाइम में परदेश में वाहन में जाना पड़ता था और वो खेप करना पड़ता था वाहन में, और वो भक्त की ऐसी इच्छा थी वो वाहन में बैठेगा नहीं, पहले भी वाहन में बैठता था, तो वाहन में बैठेगा तो वाहन के कॉर्नर पे बैठेगा, अंदर नहीं बैठेगा, आदत। कोई लोग बस में जाते हैं ना तो बाहर हाथ रख के बैठते, आदत, उसको बोलते हैं भाई बाहर हाथ मत रखो, बाहर डोका मत निकालो, लिखना पड़े ऊपर लिखना पड़ता है बाहर कुछ हाथ बात मत निकालना। एक भक्त ने ऐसा बाहर हाथ निकाला होगा तो वो बाजू के बस गई, कोणी तोड़ के गई। तो ऐसा ये सब प्रॉब्लम है, हमको आदत हो जाती है तो वो कुछ ना भी हम ये करें, अभी ऐसा आदत बाहर जाने की आदत है मगर अभी बाहर जा ही नहीं सकते,
तो भी हम सोचेंगे नहीं नहीं क्या होगा ऐसा, मगर नहीं भाई नहीं जाना है हमको, इतना दिन क्वारंटाइन लॉकडाउन में रहना है तो रहो, उससे फायदा अपने को ही है, दूसरे को नहीं है। और वैसा लॉकडाउन रहने से देश को भी फायदा है, क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होगा, तो कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होने के लिए ये है। और भगवान अपने किसी के भी जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं देखा होगा, इतना 60-65 साल हो गया, किसी का 75 साल हो गया, 80 साल, मंगल भंडारी के त्रण पेढ़ी रह चुकी, त्रण पेढ़ी ने ऐसा नहीं दिया हुआ दिन। अभी वो बम्बई का वो कौन से उसमें फोटो लेते हैं, वो आता है क्या बोलते हैं किस में, नहीं नहीं क्राउन क्या बोलते हैं वो, ऊपर से फोटो लेते हैं उसको, ड्रोन से फोटो लेते हैं। बम्बई में कुछ दिखता नहीं है, कोई आदमी नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है, कोई सोचेगा नहीं ऐसा लॉकडाउन। मगर ये सब होने से बहुत फायदा तो है ही, हमको एक नया चीज मिल रहा है, ऐसा कभी बैठने को नहीं मिलेगा, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा, इतना लंबा वेकेशन कभी नहीं होएगा कि जिस जब भी सबको वेकेशन एक साथ में, एक दो को वेकेशन होएगा वो अलग बात है, मगर सबको एक साथ में वेकेशन, सब एक साथ में मिले वो भी एक बड़ी बात है, मगर हमें उसका उपयोग अच्छी तरह से करना है, उसका उपयोग का हमें भगवान में रह के करना है। काका जी बोलते थे जब भी शिविर में लेके जाते थे, दूर लेके जाते थे, तो बोलते थे क्या कि आपको मैं यहाँ लेके आया हूँ तो आपको बम्बई की चिंता नहीं करने की, लोनावाला आए हो तो वो टाइम में फ़ोन वोन कुछ नहीं था, तो बोलते बम्बई की सोच करेंगे तो बम्बई का काम होगा नहीं, इसलिए आप इधर हो तो इधर का ही काम करो। अभी इतनी सारी व्यवस्था के बावजूद भी हमको यहाँ बैठ के और कोई काम नहीं होगा, क्योंकि पूरा बम्बई पूरा देश लॉकडाउन में है, इसलिए हमें बहुत बहुत ये बहुत लाभ है वो हमें समझना चाहिए और उसका हमें यूज़ करना चाहिए। ये बार बार आने वाला नहीं है, अभी थोड़ा दिन है और उसमें पूरा हो जाएगा, तो ये टाइम में बाद में बोलते ये तो टाइम पूरा हो गया, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति ये करनी। इसी तरह से वो वाहन में गया, वाहन में ऐसा कॉर्नर पे बैठा और गिर गया, तो कैसा होएगा, हे महाराज मैं गिरा, महाराज को पुकारेंगे तो महाराज आएंगे, आना ही पड़ेगा भक्त की रक्षा करने के लिए। मगर भक्त को समझना चाहिए कि मेरे को ऐसा स्वभाव क्यों रखना, महाराज को बार बार आना पड़े ऐसा क्यों करना, वो सुधरना चाहिए ऐसा। तो ऐसे वो वाहन में जा रहे थे, इसी तरह से बैठे थे और वो गिरे, खरो विश्ववासी जन जानो साचो भक्त प्रभु नो प्रमाणो, एक स्वामी नो सत्य आधार, बीजा कोई नो न गणे भार, साचा संत ते स्वामी ना साधु, बीजा असंत बगड़ेल बाधु, हेम ओळखी सत्य असत्य, भजे स्वामी ने न चढ़े मत्य, एक दिवस उद्धम काजे, गयो विदेश बेसी ने जाजे, विदेश गयो जाज मा बेसी ने, करी काज वड़ो बेसी वाणे, कड़व कड़ काई न जाने, बैठो वाण किनारे बफोम, वाण पड़ो कोरने पर बैठा वो बैठो वाण किनारे बफोम, पड़ो पानी मन रयो व्योम, तन स्थूल ने न जाने तरी, गयु दूर वाण वेग करी, वाण तो आगे चला गया वो गिरा, आजू बाजू पैसेंजर बैठे थे बोलते गिरा गिरा, मगर वो वाण चलाने वाला को तब सुनाई दे तब ने, और वाहन चलाने वाले को इधर वो गिरा है और डूबने लगा, तभी महाराज आए, सीधा महाराज को पुकार किया, महाराज तुरंत आए और तुरंत महाराज ने उसको पकड़ लिया, और ऐसा महाराज का हाथ ऐसा देखते है इसी तरह से वो ऊपर और उसका कड़ा दिखता है वो हाथ का, और ऐसा ऊपर है क्योंकि ऊपर रखना पड़ेगा,
वो वाहन वाले को तभी मालूम पड़ेगा ना कि कोई गिरा है। तो इसी तरह से महाराज उसको उठा के ऐसा ऊपर ऐसा चलते वाहन के पीछे पीछे, और वाहन आगे गया सड़सड़ाट। और जब भी उसको पता चला कि ये कोई गिरा हुआ है, तो बाद में बोलते अभी वाहन को वापस लो, कोई कोई आदमी गिर गया है। अभी वो वापस लेगा वाहन को, ऐसा थोड़ा है कि ऐसा घुमाया स्टीयरिंग के सीधा वापस रिवर्स आ गया, उसको तो रिवर्स लेने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसा पूरा घुमा के बाद में वो वापस आए, तभी देखते हैं तो ऊपर है, उठाया हुआ है। और वो जब भी वाहन वाला देखता है कि ये उठाया हुआ है, उसके कपड़े भी गीले नहीं हुए हैं, तो ये उठाए कैसे है। अति कष्ट आव्यो अलेखे, जीववानी तो रीत न देखे, पची संभार्या सोनी ए स्वामी, आओ वास में अंतर जामी। हवे नथी इच्छा मारे अन्य, नाथ आवी त जावी ए तन। जारे दास बोल्यो दीन वाणी, त्यारे आवी आ सारंग पाणी। हेठे हई आवी नाथे हाथे दीदो, जड़ती जन ऊंचे रोकी दो। कहे भय मरा किस काई, नय बुड़ आ अर्णव माही। त्या तो केवटे खबर लीधी, भाइयो आपने बुंडी जकी दी। एक पुरुष पड़ो पाणी माही, तेनी गमन रही नहीं काई। माटे वाण वाड़ो एने काजे, होय जीव तो लइए जाजे। वाण आयु जिया एह, जानी जीव तो लीधो छे तेह। पछी केवट पूछे छे मड़ी, केम रयु तन तारू वड़ी। करी भक्त करी मारी साय, स्वामी सहजानंदे जड़ माय। कहे केवट वात ए खरी, तने राख्यो ए साचा श्री हरि। पाम्यो परचो तू नाग निदान, तने मळ्या ए साचा भगवान। माटे मेळव मने एह, तारी पासे हूँ मांगु छू तेह। केवटे माईगो के मने तू तारा भगवान पासे लई जा। हवे तो ये तो जता था, जया पछी पाछा वळ्या पछी एने लई गया। पछी भक्त भेड़ो लई तेने, ओळखाव्या अल बेलो एने। तेह निश्चय करी घेर गयो, एम ए भक्त ने परचो थयो। वात तेना सूत केरी। हवे ना उनके लड़के को भी ऐसा अनुभव करवाया भगवान ने, और उसका नाम भगो, और वो भी ऐसा पागल था। और जब भी ऐसा होता है, छोटे होते हैं, थोड़ा अंदर में ऐसा भाव होता है मेरे प्रभु ऐसे है, मेरे भगवान बड़े है, ऐसा उसको भी हो गया था। मेरे पापा को इसी तरह से उठाया था भगवान ने, बचाया था, तो उसके दिल में तो ऐसा भाव ही था कि भगवान सर्वोपरि है, कोई भगवान बड़े नहीं है, ऐसा था। वड़ी वात तना सूत केरी, नाम भगो छे भक्ति गणेरी। करे सोनी नो सर्वे काम, भजे स्वामी नारायण नाम। त्यारे यवन वदियो वाद, एक मुसलमान मिला उसको, यवन मुसलमान ने यवन भी किया, यवन हाँ। त्यारे यवन वदियो वाद, कहे मेली दे तू विष वाद। मुस्लिम यवन मुस्लिम। स्वामी नारायण तारा खोटा, मारा अल्लाह थी ये नथी मोटा। तेरा स्वामीनारायण झूठ है और मेरा अल्लाह बड़े है, अभी ऐसी कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान सब बड़े ही है, हम ऐसा मानते हैं मेरा भगवान बड़ा है, वो ऐसा मानते हैं ऐसा भगवान, अरे सब भगवान बड़े है। आपको किधर मालूम है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब बड़े है। आप जिसको मानते हो आपके लिए बड़ा है। इसलिए काका जी बहुत बार बोलते थे, करोड़पति बड़ा के लखपति बड़ा, तो हम बोलेंगे लखपति बड़ा। हम तो ऐसा बोलेंगे, हम बोलेंगे करोड़पति बड़ा। अरे भाई वो करोड़पति तेरे काम का नहीं है, जो तुमको पगार देता है वो बड़ा, तुमको जो मिला है वो बड़ा, इसलिए हमको जो मिले वो बड़ा। मगर ये दोनों यंग थे और दोनों के बीच में होड़ बग गई, मेरा भगवान बड़ा है स्वामी नारायण, वो बोलते नहीं मेरे अल्लाह बड़ा है।
तो वह दोनों ने ऐसा बोलते हैं कि ये कोई बात को क्या बोलते हैं प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें जो हमको जिसको मानते हैं उसको अंतर में ऐसा कैफ रखने की जरूरत है। मेरे को जो प्राप्ति हुई है उसका कैफ रखेंगे, सामने वाले को ऐसे ही मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई आपके भगवान बड़े ही है, उसमें कोई सवाल नहीं है, मगर हाँ सब बड़े हैं भाई, तुम्हारे अल्लाह भी बड़े हैं, हमारे भगवान भी बड़े हैं, तुम उसको मानता है तो वो बड़ा है, तो गुरुओं की लड़ाई है। तो इसके लिए ऐसे भगवान में भी करते हैं ये युद्ध, अलग अलग धर्म के वही युद्ध है ना। तो कहे भगो ए हवात साची, अमे एवा जानी रया राची, कहे यवन ए मन थाय, एम अमने ते न जीताय, आव्या चढ़िए आऊचे भवन, त्याती पड़तू मेलिए तन। चलो भाई आज ऐसा पक्का करते हैं, ये बड़ा मकान है ना उसके ऊपर चढ़ते हैं और उनके ऊपर से उड़ी मारते है, जिसको कुछ लगे नहीं वो बड़ा, उसके भगवान बड़ा। भवन त्याती पड़ तू मेली ये तन, जो तू जीव तो रह त्याती जन, तो हूँ करूँ स्वामी नु भजन, जो हूँ जीव तो रहूँ बगला, तो हूँ तने भजावीस अल्लाह। जो हूँ जीव तो रहो तो तने अल्लाह भजावीस, के भले पण पेला तू पढ़ पगलो के। अरे एम कही ऊंचा बे उचड़िया, मुला जी तो मोर थकी पड़िया, मुला जी तो पहले ही पड़ा, और ऊपर से पड़ेगा तो कोई जिंदा रहेगा, हाथ पग भांगा वड़ी हयू, मोड़ू भांगी लुआ लाण थयू, वोरा हाय हाय करे रहयो, भगा तू तो साचो भाई थयो। त्याती ज ने कीधु भगा हवे तू नहीं पड़तो, तू साचो छे। बधाए कह्युं ए भगला हवे तू नहीं पड़तो, ए पड़ी गयो ने ने वाई गयो एटले पती गयो एम। ट्रू थई गयो। अने एवुं अने पछी ओला मुल्लाए पण कह्युं के भाई नहीं तो तू हवे नहीं पड़तो, हुं हारी गयो छुं। आव्या गाम ना लोक सांभळी, कहे माहो माही एम मळी, भाई गगो जीत्यो होळ आजे, राख्यो एने स्वामी महाराजे, आप्यो परचो एने भगवाने, हसे मूरख ते नहीं माने, वळी कहूँ एक वात वखाणी, लेजो हरिजन सत्य जाणी, एक भाव नगर शहर माई, रहे शक्ति तिया राजो भाई, एक रूपो भाई हरिजन, गया पोते ते हने भुवन, तिया बैठा छे घड़ी बेचार, करे मन मूर्ति विचार, वड़ी वृत्ति ते अंतर माही, दीदो श्वेत दीप वड़ी त्याई। भक्त के वहां गया, भक्त का भुवन में गए, इतना अच्छा उसका वातावरण था उसके घर पे, और उसको समाधि हो गई, भगवान के धाम में पहुंच गया, अभी तो मैं इधर ही रहूंगा वो बोलते। अरे दीठी मूर्ति महाराज तणी, श्वेत दीप नाचे जे कोई धणी, दीठा मुक्त त्या बीजाय पार, दीठा जीणो भाई ते मोझार, अति तेजोमय जे हधाम, तेजोमय मुक्त छे निष्काम, अति तेज तेज जल हड़े, तेज विना ते बीजू न मड़े, तेने जोता जोता राजो भाई, गई आंख्यो पोता नी अंजाई, सुख सुख अति जिया सुख, एकदम सुख ही सुख है वहां। बोलते अभी मेरे को इधर से जाना ही नहीं है, भगवान ने बोला अभी जा तू, तेरा काम हो गया, अभी देख लिया ने। सुख सुख अति जिया सुख, ते न कहवाए वर्ण विमुख, कहे नाथ सुनो राजा भाई, तमे जाओ पाचा हवे त्याई, बोलिया राजो भाई ते सांभड़ी, हवे नहीं जाऊं पाछो वड़ी, कहे नाथ न रहवाए आई,
જાઓ પાછા તમે તન માઈ, મરી જઈશ નહીં, બોડી નીચે પડ્યું છે. કહે ઝીણો ભાઈ વળી અમે જાસું કેસો જરૂર જો તમે, કહે નાથ તજ્યું એણે અંગ એને તેડી લાવ્યા અમે સંગ, અમે ગયા હતા એને ઘેર મેલ્યું દેહ તે હરૂડી પેર, રાખી આવ્યા છીએ સંત ત્યાં અયોધ્યા વાસી તો ત્યાં રહ્યા, એમ કહી દેખાડ્યું મહારાજે શૂણ્યું સર્વ તે ભક્તભાઈ રાજે, પછી ત્યાંથી આવ્યા દેહ માહી અહો અહો કહે રાજો ભાઈ. એમાં આવ્યા અને બધું એ જ બધું વિચાર, અરે વાહ 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 વાહ, ગાંડો થઈ ગયો એ. પછી જોઈ આવ્યા ત્યાં તે તાઈ તેની વાત કરે સર્વે આઈ, કહ્યું ઝીણા ભાઈ નું આગમન સહુ સુણી ખાઈ રહ્યા ગમ, પછી વાત એ દિન દો ચારે થઈ સાચી તે સર્વે પ્રકારે, એવો દેખાડ્યો ચમત્કાર સ્વામી સહજાનંદે નિર્ધાર, વળી વાર્તા છે એક સારી સહુ લેજો અંતર માધાર. એક સુંદર કથા આપકો કહેની હે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી બોલતે, એક એક પ્રકરણ મેં ચાર ચાર કથા બતાતે હે, ઓર ઇતના અચ્છી તરહ સે બતાતે હે કે અદ્ભુત. બે મહિના જાય મગર એકદમ સિમ્પલ વે મેં, એકદમ ઇઝી ગુજરાતી મેં એ કથા સુનાતે. ભક્ત ચિંતામણી કા ગ્રંથ રિયલી અદ્ભુત હે, ઓર ઉસકા જો કથા કહીને કે સ્ટાઇલ હે વો ભી અદ્ભુત હે. ચોથી કથા બતા રહે, એક પાણવી નામે છે ગામ, પાણવી ગામ મેં પુંજાબાઈ ક્ષત્રિય રહેતે થે, ઓર વો પુંજાબાઈ ક્ષત્રિય ભી બડે ભક્ત થે, ઓર વો શિવજી કે ભક્ત થે. ઉસકો એક બાર એસા હુઆ, ઉસકો વો જો વહાં રહેતે થે પાણવી ગામ, ઉસકે બાજુ મેં સમુદ્ર, ઓર સમુદ્ર મેં અંદર એક શિવલિંગ થા, ઓર વો શિવલિંગ જભી દિખતા થા કભી જભી ઓટ આતી થી તો દિખતા થા, તો ઉસને એસા વિચાર કિયા કે મેરે કો શિવલિંગ કા પૂજા કરની હૈ, શિવલિંગ કી પૂજા કરને દરિયા મેં સે બહાર ગયા, વો દરિયા મેં ચલ કે જભી ઓટ આતી હૈ તો ગયા, ઓર જભી ગયા શિવલિંગ કી પૂજા કરી, શિવલિંગ કો બાદ ભરા, ફિર બોલતે અભી આપકો છોડુંગા નહીં, ઉતને મેં તો વો ભરતી આ ગઈ, ઉસકો જે હકાલા દૂસરી બાજુ વાપસ, ઉસને બોલા નહીં નહીં અભી તો મેરી કી બાકી હૈ પૂજા, અભી જાઓ વાપસ, તો વાપસ ઓટ આવી વાપસ ગયા, વાપસ એસા આયા, એસા દો બાર હો ગયા બિચારા, પાણી પાણી હો ગયા. અરે એક પાણવી નામે છે ગામ, ક્ષત્રિ ભક્ત પૂંજો ભાઈ નામ, અતિ વૈરાગ્યવાન વિશેક બીજો સમજે નહીં વિવેક, પાડી અંતર માં આટી એહ મળે નાથ કાત જુવા દેહ, પછી ગયો સમુદ્ર છે ત્યાંય સુણ્યો મહાદેવ છે જળ માઈ, આવતી લઈ રે લિંગ ઢંકાય વડે લઈ રે ત્યારે ત્યાં જવાય, પછી ગયો પૂંજો તેને પાસ મળે પ્રભુ અંતરે એ આસ, પોત્યો ત્યાં આવ્યું પાછું પાણી વરી લિંગ સાથે બાથ તાણી, આવ્યું જળ બળે બહુ ત્યારે તેલી કાઢ્યો ગાઉં પાછો હારે, ત્યારે અંતરે એમ વિચાર્યું કેમ થયું નહીં મોત મારું, આ તો આશ્ચર્ય વાર્તા જાણું અતિ અગાધ જળમાં જીવાણું, હવે મરવું મારે જરૂર પંડુ જહી હું આવતે પૂર, એમ નિશ્ચય કરી ચાલ્યો જ્યારે થઈ આકાશવાણી તે વારે. દૂસરી બાર ગયા ઓર દૂસરી બાર ભી એસી તરહ સે વાપસ આયા તો આકાશવાણી હુઈ, એ પૂંજા તુમ એસા એસા જાઓ, તુમકો દો સાધુ મિલેંગે વો ભગવાન કે પાસ લેકે જાયેંગે, અભી તુમ ઇધર આને કી જરૂરત નહીં હૈ. કહે અમ તો મરે સીધ આઈ પ્રભુ મળસે તું જગેર ત્યાંય,
स्वामी सहजानंद जी जे ह आज प्रगट प्रभु चे ते ह। दो संतों ने उनको जैसा आकाशवाणी हुई थी इसी तरह से दो संतों मिले, दो संतों ने बात किया और बाद में बोलते तू इतना थका हुआ क्यों है, तो के दो बार समुद्र में जाके आया हूँ इसलिए इतना थक गया हूँ। तो बोलते घर में गंगा है और क्यों तुम इधर ढूंढते हैं, चलो मैं भगवान के पास लेके जाता हूँ। आज भगवान सहजान स्वामी के रूप में प्रकट है और ऐसा स्वामीनारायण भगवान का बहुत बहुत महात्मा बताया। बाद में स्वामीनारायण भगवान अरे पूंजा जी दो संतों के साथ भगवान के पास पहुँचते हैं। एक तो संतों के साथ पूंजा जी कभी रहा नहीं था, संतों के साथ रहना मुश्किल है। अभी आज संतों का जो है योगी जी महाराज के टाइम के संतों कितना जल्दी उठ जाते थे, आज भी हमारे राजू भाई अश्विन भाई रक्तन भाई सब जल्दी उठते बापू, क्योंकि वो टाइम में 5 बजे 4 बजे संतों उठ जाते थे और एक आदत हो जाती थी कि सुबह में जल्दी उठना। ऐसे दो संतों पूंजा जी के साथ, पूंजा जी उसके साथ रहा तो पहले जल्दी उठना, तैयार हो जाना, पूजा करना, तिलक चांडला करना, ऐसा सब शुरू हो गया। सच्चा भक्त बना दिया संतों ने। और बाद में 3 हफ्ते के बाद भगवान के पास पहुँचते हैं, महाराज का दर्शन करते हैं और महाराज उसको माया से पर कर देते हैं। सुनो, तारे गाम आव्या जेना जन थासे सत्संगी मानी वचन, एवी सुनी आकाशनी वाणी वड़ियो पूंजो ते विश्वास आणी, दीदा संत आव्यो जारे घेर मड़ी वात रयो नहीं फेर, आवी लाग्यो संत ने चरणे साधो हूँ छौ तमारे शरणे, साचा तमे छो स्वामी ना संत तमने मड़या छे श्री भगवंत, हूँ तो पर चो पाम्यो छू आज मानी लेजो तमे महाराज, जेनू स्वामी सहजानंद नाम ते तो पोते छे पूरण काम। सहजान स्वामी मिले और उनको ये सब महिमा मिला, माया भाग गई। माया है ने काल कर्म माया, भगवान की क्या बोलते हैं कंट्रोल में है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो स्वामीनारायण का भक्त होता है उसको काल कर्म माया नहीं नड़ती है। वो संतों थे वो बोलते हैं, एक प्रसंग बताया कि एक गांव में एक बड़ा भवन था, एक सेठ था, उसने बुलाया कि मेरे घर आओ संतों। तो संतों आए उसके घर, मगर जैसा घर में पहुँचते हैं तो कुत्ता भों 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 करता है, तो वो बेचारे डर गए। बाद में सेठ बाहर आए और उसको चपटी बजाई कुत्ता बाजू पे और सीधा जाके संत को बोला अभी आ जाओ, अभी कुत्ता तुमको कुछ नहीं करेगा। तो के ये हमारा पाला हुआ है, तो के उसको आपने क्या किया है, क्या मंत्र दिया है? तो के नहीं नहीं ये मंत्र कुछ नहीं है, ये हमारे को हमारा पाला हुआ कुत्ता है, पेट है, इसलिए मैं चपटी बजाऊंगा उसको समझ में आ जाएगा इसको कुछ करना नहीं है, नहीं तो दूसरे को तो खा जाएगा बोलते, इसलिए उसको उसने बाद में उसको सूंघ लिया कि हाँ भैया इसको कुछ करना नहीं है। और इसी तरह से बोलते वो सेठ का पाला हुआ था तो कुत्ता ये लोगों को कुछ नहीं किया, बैठे रहा शांति से। इसी तरह से भगवान ने काल कर्म माया के ऊपर अपना कंट्रोल है, इसलिए वो हम उसके भक्त है। तो भगवान ने बोला ये मेरा भक्त है उसको कुछ नहीं करने का, तो कुछ नहीं करता है। तो माया इसे तो खा जाती है, मगर माया भगवान के भक्तों के लिए काका जी बोलते थे परम सुखदाई है। तो इसी सुखदाई माया हमारे लिए क्यों है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि ये मेरे भक्त है उसको कुछ मत करना। तो ऐसे ये है हरे नु स्वामी सहजानंद नाम ते तो पोते चे पूरण काम, तेना थाए मने दर्शन एम थाओ तमे परसन, पची संते मेड़व्या भगवान दीदा पूंजा ने दर्शन दान, अति वात अलौकिक जानी
कही जानी तेने में वखाणी अति वात अलौकिक जानी कही जानी तेने में वखाणी। बोलो सहजान स्वामी चालीसमु प्रकरण समाप्त सजान स्वामी महाराज नी जय जय।